हे गाइस, आई एम पूजा कुंवर। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि IIT इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से आउट की गई है। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई फीस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट है डिप्टी लाइब्रेरियन एंड वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। योग्यता मांगी गई है मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन में एटलीस्ट 55% मार्क्स मांगा गया है। फॉर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन में सीनियर स्केल में मांगा गया है। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में मांगा गया है। एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। लास्ट डेट 8 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200 लेबर 12 है। अप्लाई फीस जनरल OBC के लिए 500 है। SC ST वोमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है मास्टर इन एनी डिसिप्लिन एटलीस्ट 55% मार्क्स। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आप पोस्ट कैरिंग पे लेवल 8 या 5 ईयर एक्सपीरियंस पे लेवल 7 पे या 8 ईयर का एक्सपीरियंस पे लेवल 6 पर मांगा गया है। डिजायरेबल एलिजिबिलिटी की बात करें तो MBA इन फिनांस एंड अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट में मांगा गया है। हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फिनांस, एकेडमिक मटेरियल्स मैनेजमेंट, पेटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या स्टूडेंट एक्टिविटीज में एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट मैक्सिमम 45 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। लास्ट डेट 8 अक्टूबर से 15 नवंबर 2021 के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 लेवल 10 है। अप्लाई फीस जनरल OBC के लिए 500 है। SC ST वोमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन जूनियर असिस्टेंट। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए BE या BTEC या MSc या MCA एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया में मांगा गया है। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए BPED विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस कोचिंग एक्सपीरियंस में एंड MPED के लिए 1 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। लास्ट डेट 8 अक्टूबर से 15 नवंबर 2021 के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 है। अप्लाई फीस जनरल OBC के लिए 500 है। SC ST वोमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर लैब असिस्टेंट, जो कि इंजीनियरिंग एंड साइंस के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर नॉलेज एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में। लैब असिस्टेंट में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, BSc एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट एरिया में मांगा गया है। एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। लास्ट डेट 8 अक्टूबर से 15 नवंबर 2021 के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 लेवल 4 है। अप्लाई फीस जनरल OBC के लिए 500, SC ST वोमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सिंपली लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।